मीडिया अपलोडिंग होती है ना, मीडिया अपलोडिंग का हमारी जो मेन फोल्डर है ना, मेन फोल्डर हमारा ये है। अब इसके अंदर ये यूज़र्स है, हर कोई अपना यूज़र्स बने हुए। देखो इसके अपनी तस्वीर आ रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ब्यूटी के अंदर आप क्लिक करेंगे, ब्यूटी के अंदर ना हमारे पास सारा डेटा, लोगों में लोगो पड़े हुए हैं, गैलरी में गैलरी की तस्वीरें हैं। स्लाइडर में जाएंगे, जो आपकी वेबसाइट पर स्लाइडर पर तस्वीरें आ रही है ना, हमने यहाँ रखी हुई है ताकि हमें पता चले कि हमने स्लाइडर पर क्या रखा हुआ है। इस तरीके से हम लोग इसमें एक नया फोल्डर बनाएंगे, हमने कलेक्शन के अंदर भी कुछ तस्वीरें लगानी है। तो जो कलेक्शन के अंदर हम तस्वीरें लगाएंगे ना, उसके लिए हम एक कलेक्शन का फोल्डर बना लेते हैं। अब मेरे पास एक कलेक्शन की है ये रही, और मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। सेव टू डाउनलोड हो गई। अब मैं कलेक्शन का फोल्डर कहाँ है ये रहा, इसके अंदर मैं तस्वीर अपलोड करूँगा। अब यहाँ पे हम वो तस्वीर देखेंगे, ये रही। इसका हमने कलेक्शन नाम रख दिया। ये तस्वीर आपकी अपलोड हो गई, ठीक है। तो अब ये कलेक्शन जो है, हम इसको कलेक्शन में अगर आप आते हैं, आप ई कॉमर्स में आएंगे, इसमें यहाँ पे कलेक्शन का प्रोडक्ट कलेक्शन आता है। देखिए यहाँ पे हमने होलसेल स्टिच अनस्टिच के कुछ कलेक्शन बनाए थे, जो कि हम इसको भी चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। कलेक्शन अगर आपको मज़ीद बनाने हैं, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे ये तस्वीर अपलोड करेंगे। इस तस्वीर को हमने क्या नाम दिया, मोमिना फैंसी एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन, ठीक है। तो इसका हम नाम यहाँ लिख देते हैं, मोमिना। ये हमारे पास कलेक्शन आ गया। इसको हम गूगल में देखते हैं किस, ये मेरे ख्याल से पहले ही मैंने गूगल में इंडेक्स करवाया था, तो ये देख सकते हैं वहाँ पर पहले भी ये आ रहा है, डेटे में आ रहा है कि हमारी वेबसाइट भी अपलोड था। तो ये आपका फेसबुक का ना थोड़ा सा कंटेंट फेसबुक से हम उठा लेते हैं। और कहाँ गई वेबसाइट, सॉरी, यहाँ पे हमने डाल दिया, सही है। ये जो ऊपर वाला मैसेज है ना, हम कॉपी करके एज इट इज़ नीचे डाल देंगे। अब इसको सेव करेंगे, आपकी कलेक्शन तैयार हो गई, ठीक है। इसको हमने फीचर भी कर सकते हैं, फीचर करेंगे तो फीचर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम टैग लगा सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप अगर अभी कलेक्शन में जाके देखते हैं ना, प्रोडक्ट कलेक्शन में ये अपडेट हो गया। अगर आप प्रोडक्ट कलेक्शन में देखेंगे तो ये आपको पता चल गया भाई कलेक्शन कैसे बनेंगे। तो ये कलेक्शन बनाने का तरीका था।